people in the early days used the hands or foot to measure the length of an object. पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, अगर उनको कोई भी चीज का मेजरमेंट यानी कोई भी चीज को मापना हो कि उसकी लेंथ कितनी है या कुछ भी, तो वो लोग कैसे मापते थे, तो उनके हैंड से या तो फुट यानी पैर से वैसे करके वो लोग मेजरमेंट लेते थे। तो पहले हम देखते हैं कि हैंड्स से कैसे वो लोग मापते थे, वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अ हैंड्सपैन इज अ गैप बिटवीन द थंब एंड द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर। हैंड्सपैन क्या है, गैप है थंब और लिटिल फिंगर के टिप के बीच का, यानी कि ये जो है वो हैंड का थंब है और ये लिटिल फिंगर है, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, एक हैंड्सपैन होगा। ये जो लेंथ है इसको हम क्या बोलेंगे, हैंड्सपैन। ये क्या है, हैंड स्पैन। जैसे कि ये थंब और ये जो लिटिल फिंगर है उसकी टिप, ये दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं, हैंड स्पैन। तो एग्जांपल देखते हैं, ये मिल्क का बाउल है और ये कैट है, तो इन दोनों के बीच में अगर हमको मेजरमेंट लेना हो यानी कि डिस्टेंस मेजर करना हो तो हैंड स्पैन से कैसे करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे बाउल के एंड से। तो 1, 2 and 3 कितने हैंड स्पैन हुए, 3 हैंड स्पैन। एक था यहाँ से 1, 2 ये थंब से टिप ऑफ लिटिल फिंगर, फिर सेकेंड एंड थर्ड। तो कितने टिप क्या हुआ, कितना हुआ, कितने हैंड स्पैन हुए, 1, 2, 3। तो हम क्या बोलते हैं, कितना गैप है दोनों के बीच में, 3 हैंड स्पैन जितना। तो पहले लोग ऐसे मेजर करते थे। अब फुट स्पैन इज द गैप बिटवीन द टिप ऑफ द लॉन्गेस्ट टो टू द एंड ऑफ द एंकल। फुट से कैसे मेजर करते थे, तो ये जो टो है यानी थंब है लेग का, वहां से लेके उनकी एंकल तक का इतना जो गैप होता था इसे बोलते थे फुट स्पैन। सेम जैसे ये हैंड से मेजर किया यहाँ पे, वैसे ही लेग से मेजर करते थे, 1, 2, 3, 4 जितने भी फुट आते थे वो उतना फुट स्पैन बोलते थे। जैसे 4 फुट का गैप आता था तो बोलते हैं 4 फुट स्पैन, अगर 5 का आता है तो बोलते हैं 5 फुट स्पैन। Nowadays to measure the length of an object use a centimeter scale or ruler or the measuring tape। अभी के दिनों में लोग क्या यूज करते हैं मेजर करने के लिए, है मेजरिंग टेप या तो रूलर या तो मीटर स्केल, यानी कि कुछ भी ये तीन में से लोग यूज करते हैं चीज को मेजर करने के लिए। तो एक क्या है, ये है सेंटीमीटर स्केल। इसमें जो ऊपर्स होते हैं, ऊपर जो होते हैं वो सेंटीमीटर में होते हैं और नीचे जो होते हैं 1, 2, 3, 4 बड़े बड़े वो मीटर में होते हैं। उसकी नीचे की यूनिट होती है मीटर और ऊपर जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। अगर हम कोई भी चीज की लेंथ मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट हम सेंटीमीटर या तो मीटर में ही मेजर करेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, ये पेंसिल है उसको हमें मेजर करना है विद हेल्प ऑफ स्केल। तो स्केल में हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है उनका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच में हमको मेजरमेंट लेना होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा हम कहाँ प्लेस करेंगे, 0 पे। ये स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ही स्टार्टिंग पॉइंट पे ही प्लेस करेंगे। तो
हमेशा यहाँ जीरो से मेजर करेंगे तो फिर हम उसके एंड पॉइंट पे देखेंगे कि एंड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो इसमें मेरा एंड पॉइंट 25 पे आ रहा है। आपको स्केल ऐसे स्ट्रेट एकदम रखनी है, जीरो से यहाँ जीरो है, आपको यहाँ जीरो से फिर उसका यहाँ पे जहाँ पेंसिल एंड हो रहा है वो देखना है। तो फिर वो यहाँ पे कहाँ खत्म हो रही है, मेरा यहाँ पे 25 पे खत्म हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे कि लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 25 सेंटीमीटर, बिकॉज मैंने किसमें मेजर किया, सेंटीमीटर से मेजर किया है। अगर कोई भी छोटी चीज को मेजर करना हो तो हम ऑलवेज उसको सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, और कोई भी बड़ी चीज को मेजर करना हो तो हम ऑलवेज उसको मीटर में करेंगे, बिकॉज मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर के कंपेयर में। बिकॉज हमने यहाँ पे देखा कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग वेट और मास। कोई भी चीज का वजन करना हो, उसका वेट कितना है वो मेजर करना हो तो कैसे करते हैं वो देखना है। इन अर्ली डेज पीपल यूज बैलेंस टू मेजर द वेट। पहले के जमाने में पीपल मेजर करने के लिए, वेट का मेजरमेंट करने के लिए क्या करते थे, बैलेंस यूज करते थे। तो अ बैलेंस हैविंग टू पेंस ऑफ इक्वल साइज इज यूज्ड टू मेजर द वेट। बैलेंस करते थे तो बैलेंस करने के लिए कैसा क्या लेते थे, दो पैन लेते थे इक्वल साइज के, और उसमें कुछ भी चीजें रख के वो लोग मेजरमेंट करते थे। इफ बोथ पैन्स आर इक्वल दैट मींस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर सेम ऑन बोथ पैन्स एंड द बीम विल बी स्ट्रेट। अगर दोनों ही पैन्स में वेट सेम होगा तो वो इक्वल रहेगा और ये जो बीम है वो भी स्ट्रेट होगा। If one pan is heavier than beam, will tilt to the heavier side. अगर दोनों में से एक भी पैन जो है वो हैवी हो गया, ये हैवी हो गया इसके कंपेयर में, तो जो ये बीम होगा वो क्या करेगा, इसकी साइड टिल्ट कर देगा, टिल्ट यानी झुक जाएगा। फिर then the heavier side will be down and the lighter side will be up. अगर बीम ऐसे झुक जाएगा तो हैवियर साइड जो होगी वो डाउन हो जाएगी और लाइटर साइड जो होगी वो अप हो जाएगी। तो एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे एक पेन में हम बुक रखते हैं, ये पेन में हमने बुक रखी और इसमें हम पेंसिल रखते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि पेंसिल का वेट कम होगा बुक के कंपेयर में। तो क्या होगा, ये पेन जो है वो कैसे हो जाएगा, ये बीम कैसे कर दे, क्या हो जाएगा, ये पूरा इस साइड टिल्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये पूरा टिल्ट हो गया बुक के साइड, बिकॉज बुक क्या है, हैवी है कंपेयर्ड टू पेंसिल। तो ये बुक नीचे चली जाएगी और ये जो है पेंसिल वो अपर चली जाएगी, बिकॉज वो लाइट है और ये हैवी है। तो पहले के जमाने में लोग इस तरीके से मेजरमेंट करते थे। नाउडेज वेगिंग मशीन्स आर यूज्ड टू मेजर द वेट। और अभी के जमाने में कोई भी चीज का वेट मेजर करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, वेगिंग मशीन यानी कि वजन कांटा जो होता है उसका यूज करते हैं। तो मेजरिंग यूनिट क्या है, अगर किसी चीज का वेट मेजर करना हो तो उसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम एंड ग्राम। 1 किलोग्राम केजी यानी किलोग्राम, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में केजी भी लिख सकते हो और ग्राम को शॉर्ट फॉर्म में खाली जी भी लिख सकते हो। तो 1 केजी इक्वल्स टू 100
ग्राम, ये है कन्वर्जन। एक किलोग्राम किसके बराबर होता है? 100 ग्राम के बराबर। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं वेट। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग कैपेसिटी। अभी तक हमने क्या देखा? मेजरिंग लेंथ, मेजरिंग वेट, हमने दो चीज देखी। मेजरिंग लेंथ में हम क्या करते थे? कोई भी चीज हो उसकी लेंथ मेजर करते थे। फिर मेजरिंग वेट में हम क्या करते थे? जो भी चीज हो उसका वेट मेजर करते थे, यानी वो कितनी हैवी है, उसका क्या वेट है, वो मेजर करते थे। अब हम मेजरिंग कैपेसिटी में क्या करेंगे? हम लिक्विड का मेजरमेंट लेंगे। तो द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। यानी कि कोई भी कंटेनर हो, वो कंटेनर कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड अपने अंदर स्टोर कर सकता है, वो जितना स्टोर करेगा उसे हम बोलते हैं कैपेसिटी। मतलब कोई एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक बकेट है, बकेट में आप वाटर स्टोर करते हो। वाटर क्या है? लिक्विड। तो बकेट में आप वाटर स्टोर करते हो, वो बकेट की कैपेसिटी कितनी है वाटर रखने की? जब तक बकेट फुल नहीं हो जाती तब तक हम वाटर स्टोर करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि बकेट की कैपेसिटी इतनी है स्टोर करने की। अगर बकेट 500 ml की है तो हम बोलेंगे उसकी कैपेसिटी 500 ml की है। हम एग्जांपल से समझते हैं। इन द गिवन पिक्चर वी कैन सी दैट द बकेट कैन होल्ड मोर वाटर देन द वाटर, और द कैपेसिटी ऑफ बकेट इज मोर देन द कैपेसिटी ऑफ वाटर। हम यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल में एक बॉटल है और एक बकेट है। तो बॉटल बकेट के कंपेयर में छोटी होगी, तो बॉटल की कैपेसिटी भी क्या होगी? कम होगी कंपेयर टू बकेट। यानी कि बॉटल इतना अमाउंट ऑफ लिक्विड स्टोर नहीं कर पाएगा बकेट जितना। बकेट कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड स्टोर करेगा अपने अंदर? तो हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ बकेट इज मोर देन द कैपेसिटी ऑफ वॉटर। और हम लिक्विड को किस पे मेजर करते हैं? उसकी यूनिट है मिलीलीटर और लीटर। ml यानी